नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे सऊदी अरबिया से रिलेटेड। जी हाँ साथियों, फ्लाइट से रिलेटेड हम बात करेंगे। सरकार ने क्या अपडेट दिए, क्या वहां का माहौल चल रहा है, कोरोना से रिलेटेड भी हम बात करना चाहेंगे, ताकि आपको ध्यान रखना जरूरी है कि भाई कोरोना के ऊपर ही सब कुछ डिपेंड कर रहा है आजकल। किसी भी कंट्री में देख लीजिए, अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस चल रहा है। अभी कोरोना बहुत डाउन आ चुका है, यानी 80% डाउन हो चुका है कोरोना। आपको पता है पहले कहां 1 लाख पर डे केस आ रहे थे, अभी 20,000, 18,000, 15,000 ऐसे केस आने लग गए हैं। और बाकी अभी तो वैक्सीन भी स्टार्ट हो चुकी है, जनवरी 15-16 से स्टार्ट हो जाएगी, तो ये भी एक अच्छी न्यूज है। और सऊदी अरबिया की बात करें तो भाई वैक्सीन वहां तो स्टार्ट हो चुकी है, काफी टाइम हो चुका है, 10 दिन के करीब हो चुके हैं वहां के। आपको पता है जो शेख हैं राजा, उन्होंने तो वैक्सीन की डोज भी ले ली है, और तो इसका मतलब ये कि वहां की जनता को डोज लगनी स्टार्ट हो जाएगी, तो फिर कोरोना अपने आप पर, बाकी मेन फ्लाइट पे डिपेंड करता है, क्योंकि कोरोना आता है विदेशों से, चाहे आप इंडिया में देख लो, चाहे बाहर की कंट्री में देख लो। हर कोई कंट्री, हर कोई सरकार ये चाहती है कि भाई हमारा देश सुरक्षित रहे, हमारी जनता सुरक्षित रहे, कोरोना को कम से कम कंट्रोल करने की कोशिश की जाए। जी हाँ, तो भाई सऊदी अरबिया ने सबसे भयंकर सर्दी, और कुवैत की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा सख्ताई के साथ इन्होंने फ्लाइट बंद कर दी थी। और फ्लाइटों का अभी तक भी उनका कोई ज्यादा कोई आपके अच्छी न्यूज आपके पक्ष में नहीं आने वाली है। जी हाँ, तो सबसे पहले हम कोरोना की डिटेल ले लेते हैं कि भाई सऊदी अरबिया में कोरोना के क्या हाल है, उसके बाद हम फ्लाइट से रिलेटेड जो गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट किया उससे रिलेटेड हम बात करना चाहेंगे। क्योंकि बात करें हम 13 जनवरी तक, जी हाँ साथियों, यानी आज की डेट 13 जनवरी तक की अगर बात करें, जो कोरोना की बात करें, तो 3,64,000 प्लस अभी तक कोरोना के केस पाए गए, यानी समथिंग 4.25 लाख, 3.5 लाख प्लस आप मान सकते हैं। इनमें से अगर डेथ की बात करें तो 6,300 डेथ हुई है, यानी 6,500 के करीब डेथ मान सकते हैं अभी तक, इतनी अभी कोरोना से डेथ हो चुकी है। और रिकवरी की बात करें तो भाई रिकवरी रेट बहुत अच्छी है, लगभग 3,56,000 के करीब रिकवरी हो चुकी है, यानी आंकड़ा कोई ज्यादा नहीं है, बहुत, यानी 98% रिकवरी है, 2% भी मुश्किल से नहीं बचा। लगभग एवरेज देखें तो 9,500 के करीब अभी तक के जो एक्टिव केस हैं वो बचे हैं, बाकी इसको रिकवर कर लिया गया, बाकी भाई जो डोज लगेंगे ना सब ठीक हो जाएगा। इसी को ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार ने बड़ा अनाउंसमेंट किया कि भाई 31 जी हाँ साथियों 31 मार्च से पूरी फ्लाइटें हम पूर्ण रूप से चालू कर देंगे। ये आप लोगों के लिए एक अच्छी न्यूज है भाई, जिनके वीजा खत्म हो गए, खामा एक्सपायर हो गया, वीजा ही खत्म हो गया, उनका तो कुछ अभी तक अपडेट है नहीं। बाकी जिनके खामा पड़े हैं, जिनके अप्रैल में खत्म होंगे या मई में खत्म होंगे, उनके लिए बेस्ट ऑप्शन ये है कि 31 मार्च से, यानी अप्रैल से मान सकते हैं आप, अप्रैल 1 से फ्लाइटें चालू पूर्ण रूप से हो जाएगी। क्योंकि उम्मीद ये जता जा रही, जो ये कोरोना वैक्सीन आई है इस वजह से इसको कंट्रोल कर लिया जाएगा, जो कोरोना की महामारी है इसको वैक्सीन से कंट्रोल कर लिया जाएगा। बाकी वैसे भी आप सबको बताइए भाई कंट्रोल ही किया जा रहा है, बाकी लगभग कंट्रोल 70% से ऊपर हम मान सकते हैं कंट्रोल कोरोना हो चुका है इंडिया लेवल की बात करें तो, बाकी और कंट्रियों में तो होना ही होना है नो डाउट। तो भाई आपके लिए अच्छी न्यूज ये है कि अप्रैल से फ्लाइट स्टार्ट हो, हालांकि आप गूगल पे या फिर गोवा वीवो पे या फिर और भी ऑनलाइन सर्च आप करते हो तो फ्लाइटें टिकट दिखा देती हैं, वो एक अलग इश्यू है, वो तो पेंडिंग में दिखाती हैं, बाकी वो स्टेटस उनका ओरिजिनल नहीं होता है, इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। बाकी अगर आप सऊदी से इंडिया आ रहे हैं तो फ्लाइटों की कोई कमी नहीं है, समथिंग 1,150 से 1,200 रियाल के बीच में आपको फ्लाइट मिल जाएगी। जी हाँ, तो एवरेज आप मान सकते हैं 24-25 हजार के समथिंग आपको टिकट मिल सकती है सऊदी अरबिया से इंडिया आने के लिए। तो बस आप लोगों के साथ ये न्यूज शेयर करनी थी साथियों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।